चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग ब्रजेश भारती जी, आप थोड़ा कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं तो ब्रीफ में बताएं। संपूर्ण श्रवण संघ को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज कॉन्सेप्ट के लिए मुझे डेलीगेट किया गया। मुझे बहुत ही इस बात की खुशी है कि संघ में कॉन्सेप्ट बताने के लिए मुझे मौका दिया गया है। और अभी मैं गिरजेश भारती लखनऊ से, अभी मुझे करीब 15-16 दिन हुए हैं और इस कॉन्सेप्ट को मैं जो सुन रहा हूं तो इतना अच्छा लगा कि वास्तव में जिन चीजों की हमें जरूरत थी, जो हम भटके हुए महसूस हो रहे थे, जो हमें पिछले 70 सालों से अपनी कमियां महसूस हो रही थी और हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जितना हमें आगे जाना चाहिए था लेकिन हम नहीं जा सके। आज हर व्यक्ति ये कमी महसूस करता है और तमाम विकल्पों के बीच में बहुत से संगठन हम लोगों ने बनाए। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से कार्य कर रहा है, कोई कैसे भी संगठन बना रहा है, कोई कैसे भी व्यक्तिगत उस पर कर रहा है। तो ये जैसा कि हमें रोज कॉन्सेप्ट में बताया जाता है कि लाखों की संख्या में संगठन हमारे हो गए, हम हजारों की जातियों में बट गए और उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज हम 85% की बात करते हैं, आज हम 120 करोड़ की बात करते हैं लेकिन असफलता ही महसूस करते हैं। किन्हीं भी चीजों को, चाहे वो संविधान जैसी चीज है, आज हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये आ रहा है 70 सालों में कि हमें संविधान बचाना है। अब हम सोच रहे हैं कि संविधान बचाना है, ये बात हमें आज से 15-20-25 साल पहले से क्यों नहीं सोचनी चाहिए थी। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से लगा हुआ है, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई नाम के लिए, कोई मंच के लिए, कोई किसी भी, तमाम अपने अपने अलग अलग उद्देश्य हैं। तो हम इन्हीं चीजों में भटके हुए रहे और आज हम महसूस कर रहे हैं कि हम एक नहीं हैं, हम एक जगह नहीं हैं, और यही सबसे बड़ी विफलता का हमारा कारण है कि हम एकजुट नहीं हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रबुद्ध लोगों ने भी पहले बहुत काम किए, तमाम संगठनों में गए, उन्होंने भी काम किए, दसियों संगठन उन्होंने बनाए, हार करके वो भी इस निष्कर्ष पे आए कि अब नए तरीके से हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये इजाद जो है, समण संघ की इजाद, समण संघ का कॉन्सेप्ट, समण संघ की सोच, ये कुछ प्रबुद्ध लोगों ने बैठ करके कुछ नतीजे निकालने के लिए किया और ये बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही सराहनीय चीज है। ये समण संघ, सभी लोगों की जिज्ञासा होती है कि आखिर अब ये नया समण संघ क्या चीज आ गई। तो वास्तव में ये नई समण संघ तो पुराना है, प्राचीन है। हमारा समण, हम समण लोग प्राचीन है, हम ही यहाँ के पुराने लोग हैं, लेकिन ये भी आज हमें जानकारी नहीं है। इन्हीं सभी को एकत्रित करके, संगठित करके, शिक्षित करते हुए संघर्ष करते रहना हमारा उद्देश्य, समण संघ का यही उद्देश्य है। तो बात यह है कि सभी समुदायों के, हमारा इतिहास जहां से हम जानते हैं, समणों का साहित्य इतिहास अगर हम ले लें तो 2500 वर्ष पहले से है। संघ शब्द का
जहां तक हमारी जानकारी आती है, जहां तक हम लोग जानते हैं, संघ शब्द पहले रहा हो तो रहा हो, लेकिन बुद्ध के समय से ये संघ शब्द आया। 2500 वर्ष पहले बुद्ध जो बुद्ध अपने संघ के माध्यम से जन कल्याण, मानव कल्याण का कार्य करते थे। उसके बाद देखिए कि जो भी अभी एक चीज है कि जो भी लोग संघ में रहे, पुराना हमारा है, लेकिन आज देखिए कि जैसे हमारे सिख भाई हैं, सिख समुदाय है, उनका बहुत प्राचीन वो नहीं है, उनका बहुत 400-500 साल पहले का ये सिखिज्म है, लेकिन वो लोग अपने संघ में रहते हैं। संघ की अवधारणा प्राचीन है, संघ में वो लोग आज प्रत्येक रविवार को या किसी भी हफ्ते में एक दिन एक जगह एकत्रित होते हैं। अभी बात आ रही थी कि हमारे बच्चों को संस्कार कैसे मिलेंगे, बच्चों को संस्कार तभी मिल सकेंगे जब हम बड़े भी एक साथ होंगे, जब हमारे बीच में हमारे बच्चे होंगे, जब परिवार होगा, हमारी महिला बहनें बेटियां सभी एक साथ होंगी, तब वहां विचारों का आदान प्रदान होगा, तौर तरीकों का आदान प्रदान हो सकता है, अनुशासन का आदान प्रदान हो सकता है, विनम्रता सीखने का अवसर मिल सकता है, लेकिन कब? जब हम एक साथ होते हैं। यही होता है कि जो समुदाय, जो समूह एक साथ रहने की परंपरा डालते हैं, नित प्रतिदिन या हफ्ते में या महीने में कभी भी मिलते हैं, जितना ज्यादा वो मिलते हैं, जितना ज्यादा अपने संस्कार तौर तरीकों का आदान प्रदान करते हैं, उतना ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, उतना ही वो लोग सुरक्षित होते हैं। अभी आप देखिए कि सिख समुदाय है वो एक साथ होते हैं, और दूसरा समुदाय एक मुस्लिम समुदाय है मान लीजिए, तो उनका भी इतिहास बहुत पुराना नहीं है, 1500-1600 साल पुराना, लेकिन वो सभी बंधु एक जगह दिन भर में 5 बार एकत्रित होते हैं, उनका एकत्रित होने की एक जगह है, वो भी एक संघ के रूप में है, अपनी सभी बातें, अपनी समस्याएं, अपने तौर तरीके, अपने व्यवसाय, अपने हर चीज के बारे में वो बातचीत कर लेते हैं। तो जो लोग संघ के बीच में रहते हैं वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है, उनके स्किल आदान प्रदान होता है, कौन क्या कर रहा है बाहरी चीजों को, तो वो सब तय हो जाता है। हमारा इतिहास समणों का इतिहास है, जिससे सभी ने अनुकरण कर लिया, जिस सभी ने अनुकरण कर लिया 2500 वर्ष पहले, यानी पुराने हम, हमारी किताबें ले ली गई और हम देखते रहे, किताबें ले ली लोगों ने और अपना चढ़ा लिया और अपनी बता दी, हमारा सामान ले गए, हमारी विरासत ले गए, हमारी बिल्डिंगें ले गए, और साहब हर विरासत के, संस्कारों के, तौर तरीकों के, सुरक्षा के, ताकत के, हर चीज के वो धनी हो गए। और जबकि राजा हम थे, राजा हम थे, हम आज जो है इस बात के लिए भी एक तरीके से, मैं तो स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहूंगा कि मोहताज जैसे लगते हैं कि हम एक नहीं है। अरे कि इसमें कौन सी धन दौलत खर्च हो रही थी? तो बात यही है कि जो अब इसमें मुख्य बात ये आती है कि जो कौम, जो समूह, जो परिवार, जो समाज अपने महापुरुषों को, अपने महापुरुषों की विरासत को संभाल के रखता है, जो उनके मार्गदर्शन को, जो उनके बताए हुए रास्तों पे चलता है, वो समूह आगे बढ़ता है। सिख समुदाय ने, उनके गुरु ने कह दिया कि अब आपका कोई गुरु नहीं होगा, ये गुरु ग्रंथ साहिब है, ये आपके गुरु होंगे। सारा सिख समुदाय उस एक ग्रंथ के माध्यम से पूरी दुनिया में एकत्र हो जाता है। उनके महापुरुष ने जो कह दिया उसको अंगीकृत कर लिया, उसको अंगीकृत कर लिया। उसके बाद और भी समुदाय जो है
उनको भी उनके महापुरुषों ने जो रास्ता बताया, उनके समुदाय ने, उनके महापुरुषों ने जो रास्ता, जो मार्ग बताया, सदमार्ग बताया, उसका उन्होंने अनुकरण कर लिया और वो आज एकजुट होके रहते हैं। उनको असुरक्षा की उतनी चिंता नहीं होती है। हम 120 करोड़ होकर के भी हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं, हमारे हमारे साथ समस्याएं समस्याएं हैं। इसका मूल कारण है हमारा कोई संघ नहीं होना, हमारा कभी भी एक एकत्रित होने का कोई दिन नहीं है, कोई महीना नहीं है, कुछ भी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो समूह, जो समुदाय अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने की, जो परिवार अपने पूर्वजों, अपने बड़ों के अनुभवों को लेकर के चलता है, वो परिवार सुखी होता है, वो समाज सुखी होता है। जो अपने महापुरुषों की बातों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये किया कि बुद्ध हो चाहे बाबा साहब हो, हमने उनको समझने का प्रयास नहीं किया। इतनी बड़ी विरासत है, इतनी बड़ी विरासत है, बाबा साहब ने इतने इतने वचन दे दिए, इतनी बातें कह दी कि व्यक्ति उनको ही आत्मसात कर ले, व्यक्ति उनको ही आत्मसात कर ले तो उसको दुनिया की कोई समस्या नहीं आ सकती। बुद्ध की जो समर्थ थे, बुद्ध की बातों को कोई आत्मसात कर ले तो उसको दुनिया में कोई समस्या नहीं आ सकती। ऐसे ऐसे विचार, ऐसी ऐसी चीजें, बाबा साहब ने संविधान दिया, बाबा साहब ने धम्म दिया, एक हाथ से उन्होंने धम्म दिया, एक हाथ से उन्होंने संविधान दिया, धम्म से व्यक्ति का अपना निजी जीवन, अपना पारिवारिक जीवन सफल होता है, सामाजिक जीवन, कानूनी जीवन दूसरे हाथ से बाबा साहब ने संविधान दिया, लेकिन हमने दो उससे हमें बाहरी समस्याओं से निजात मिलती है, लेकिन हमने बाबा साहब की दोनों बातों को समझने का प्रयास नहीं किया। यही मेरे हिसाब से तो यही मूल कारण होना चाहिए, नहीं तो हम असफल क्यों हैं? हम असफल इसलिए हैं कि हम अपने महापुरुषों को नजरअंदाज कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने जो सील का सील दिया हुआ है, सील दिए हुए हैं, तो सीलों पर चलने से उन्होंने एक ही चीज में बात खत्म कर दी कि सीलों पे चलने से फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही बहती है, लेकिन सीलवान व्यक्ति की सुगंध हवा के विपरीत दिशा में भी बहती है। तो ऐसे सील हैं, इस तरीके की चीजें दी गई हैं। मैं तो यही कहूंगा कि हमें महापुरुषों की बातों का को समझने का प्रयास करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। हमारे ऊपर अत्याचार और समस्याएं, ये सब बहुत कुछ हल हो सकने की संभावना होगी। तो आज का ये पहला मेरा दिन था, मेरा जो थोड़ा सा इस पे कहना था, मैंने कहा वैसे कॉन्सेप्ट ये है कि इन्हीं सब बातों को रखने के लिए यहाँ पर प्रबुद्ध लोग एकत्रित हो रहे हैं। वो अपने समण संघ को जागृत करने, एकत्रित करने और उन्हें इन्हीं सब चीजों की जानकारी देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समण संघ की इजाद इसीलिए की गई जो कि अन्य तमाम संगठनों से, अन्य तमाम चीजों से बिल्कुल भिन्न है। और बहुत खुशी की बात है कि जो अन्य संगठनों में नहीं हुआ वो हमारे संघ में, कि यहाँ पे कोई चंदा नहीं लिया जाता है, यहाँ कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं लगना है, सभी आपस में मिलकर के हम कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम जुड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोई माला, मंच आदि का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है,
माला पहनने से जो व्यक्ति माला पहनता है उसको अहंकार आ जाता है, जो माला पहना है उसको हीनता महसूस होती है, जो सामने बैठ करके तालियां बजाते हैं वो अपने को छोटा समझते हैं। तो हम एकजुट कैसे हो सकते हैं? जहां पे इस तरीके का भाईचारा हो कि सब एक साथ बैठेंगे, सब एक साथ खाएंगे, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी की कोई जाति नहीं है, किसी का कोई प्रदेश नहीं है, यहाँ पे जब हम एक साथ मिलेंगे जुलेंगे, विनम्रता सीखेंगे, अनुशासन सीखेंगे, महापुरुषों के बारे में जिन्होंने पुस्तकों को नहीं खरीद सके हैं, नहीं पढ़ सके, नहीं अवसर मिले, कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पे प्रबुद्ध लोग, ऐसे ऐसे प्रज्ञावान लोग हैं जो रोज, मैं तो नाम भी ले लेना उचित समझूंगा, सुधीर सर हैं, इतनी शालीनता से, इतनी गंभीरता से, इतनी गूढ़ बातें देते हैं। अगर हम प्रतिदिन उनको सुनते रहें, सभी को सुनते रहें, तो हम विनम्रता सीखेंगे, हम अपने इतिहास को जानेंगे। यहाँ पे कोई खर्चा नहीं लग रहा है, यहाँ सब सुधीर सर हैं, यूवी सिंह जी हैं, सभी लोग कुर्सियों पे पीछे बैठते हैं जाके। क्या सुंदर कल्चर, क्या सुंदर चीजें हम ला रहे हैं। अगर इसमें भी अगर हम नहीं कुछ कर सके तो हम कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारा ये आखिरी विकल्प है, हमारा ये आखिरी विकल्प है। यहाँ पे जीरो पैसे का खर्च है, यहाँ पे कोई अहंकार नहीं है, यहाँ पे कोई माला नहीं है, यहाँ पे कोई मंच नहीं है, सब एक साथ बैठेंगे, सब एक साथ खाएंगे। यहाँ पे बहनों को बहन जी कहकर और भाइयों को सर कह करके बोलने की परंपरा को हम लाना चाहते हैं, ला रहे हैं। और जो भी फिजिकल मीटिंग होंगी हमारी, उसमें अपना खाना लाना है, सभी खाने को मिला लेना है, कि कोई छोटा नहीं, कोई आईएएस नहीं, कोई मजदूर नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं। तो ये सारी चीजें करनी है हमें। कॉन्सेप्ट में ये है कि हमें संघ के विरुद्ध कोई बातें नहीं करनी है, हमें सभी भाइयों को प्रेम पूर्वक इसमें लाना है। जब वो दो चार दिन जुड़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब उनके जो ऊट पटांग भी सवाल अगर हम जिन्हें महसूस करते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। विनम्रता और अनुशासन, जब हमारे बीच बैठेंगे, हम सब एक साथ मिलेंगे जुलेंगे, तो विनम्रता और अनुशासन भी आएगा। हम पॉजिटिव रहें, हम आगे बढ़ने के लिए सोचें। संविधान की रक्षा की बात करते हैं, संविधान के लिए हम कोई किताब बचाने नहीं जा रहे हैं, किताब नहीं बचा सकेंगे। जब तक हम सही तरीके से ये नहीं समझें कि आखिर संविधान है क्या, संविधान है क्या, संविधान की कोई पुस्तक हमें नहीं बचानी है, संविधान में प्रबुद्ध लोग ही उसे देख सकते हैं। संविधान इतना गूढ़ है, बाबा साहब का एक एक शब्द में आप प्रियम्बल को पढ़िए, इतनी बारीकी से पढ़िए कि आप वो समझना मुश्किल हो जाएगा। जहां भी प्रियम्बल में तथा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहां पर तथा शब्द ही इस्तेमाल किया गया है। जहां पर और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहां पे और शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। जहां एतद द्वारा लिखा होना चाहिए, वहां एतद द्वारा लिखा है। इतना गूढ़, इतना जबरदस्त शैली है, और उसको समझने की जरूरत है। एक नुक्ते से खुदा जुदा हो जाता है, एक नुक्ते से खुदा जुदा हो जाता है। एक नुक्ता अगर पहचानने की आप में शक्ति नहीं है, तो हमें विचारों से, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। तथा की जगह और की जगह तथा कर दिया जाएगा, तो आपकी पुस्तक वैसी ही रखी रहेगी, लेकिन आपको पता नहीं कि इसके अंदर क्या हो गया। तो हमें पुस्तक नहीं बचानी है, हमें इतना अपने ज्ञान को, अपनी चीजों को इतना उन्नत करना है कि अपनी विरासत को हम बचाएं। संविधान ही नहीं, हम अपनी संस्कृति को बचाएं, हम अपनी संस्कृति को पहचाने, हम अपने जो पुरानी इमारतें थी, हमारे प्रबुद्ध लोग जो अध्ययन करके बताते हैं, उसको समझें, उसको जाने यथार्थ क्या है। और समर्थ संघ जो हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, हम सभी लोग एकत्रित हो जाएं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। आखिरी विकल्प है, इसके अलावा फिर इससे अच्छा किसी के पास कोई विकल्प हो तो जरूर ही उस पर विचार किया जा सकेगा, लेकिन जब तक कोई इससे भी बेहतरीन सोच नहीं लाई जा सकती है, तब तक पूरे भारतवर्ष से और संपूर्ण विश्व से लोगों को, सभी के कल्याण के लिए एकत्रित होना है। और मैं तो यही कहूंगा,
जोड़ेंगे जुड़ेंगे जीतेंगे, हम एजुकेट होंगे, एजुकेट करेंगे। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.